हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब वंस अगेन। दोस्तों आज का सीन ये है कि अगर तो आप एक साइंस का स्टूडेंट हो तो आपके पास एक सब्जेक्ट आता है जिसका नाम होता है प्रैक्टिकल। और प्रैक्टिकल की खूबी ये है कि प्रैक्टिकल को जब आप प्रैक्टिकल ही नहीं करते ना, तब तक आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सीन है कि जहाँ पर जिस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ता हूँ ना, यहाँ पर कंप्यूटर की लैब्स तो हैं, केमिस्ट्री की लैब्स भी हैं, बायो की लैब्स भी हैं, लेकिन फिजिक्स क्योंकि पहली दफ़ा था तो यहाँ पे फिजिक्स का सामान तो है लेकिन उस लेवल का नहीं है जहाँ जिस लेवल का अब हम पढ़ना चाह रहे हैं। तो इसी सिलसिले में आज छोटा सा हमारा ट्रिप अरेंज किया था हमारे टीचर्स ने, थैंक यू सो मच टीचर्स। तो आज हम जाएंगे मेन कैंपस लैब्स में, तो आज चलते हैं आपको वहाँ लेके और साथ साथ इंजॉय भी करेंगे और वहाँ जाके प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करेंगे। तो आओ चलते हैं अब वहाँ पे। उससे पहले यहाँ से हम जाएंगे, अपने घरों से हम लोग जाएंगे सिटी कैंपस में। सब कैंपस का छोटा भाई इज इक्वल टू सिटी कैंपस। तो आओ पहले सिटी कैंपस चलते हैं, वहाँ से भी चलते हैं मेन कैंपस फैसलाबाद में। आओ जी। अच्छा यार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग हैं सब कैंपस के, भी सब कैंपस के अंदर, सिटी कैंपस के अंदर। तो अभी हमारे क्लास वाले यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम किल भाई। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हो गए जी? खराब। अभी हम लोग कर रहे हैं बस का वेट में। दोस्तों हमारा जो सफ़र है, हमने सफ़र की दुआ पढ़ के अपने सफ़र का आगाज़ किया, शुरू कर लिया। और हुआ कुछ यूँ कि यार अब आगे लड़के थे, पीछे लड़कियां थी, पर ऐसा कैसे हो सकता कि हम चुप करके बैठ जाएं। तो ऐसे ही हुआ कि हमने आपस में कंपटीशन शुरू कर लिया, पोइट्री जिसमें थी, जिसमें तराने थे, जो कुछ हमें आता था ना, एक बार हम बोलते थे, एक बार वो लोग बोलते थे। तो हमने बड़ा ही हैवी किस्म का कॉम्पिटिशन किया। पहले तो मैं नहीं किया, मैं आपको पता शरीफ आदमी हूँ, लेकिन अपने दोस्तों को साथ साथ देने के लिए, अपने जवानों को साथ देने के लिए मैं भी मैदान में आ गया। तो पूरी हमने भी जोर आजमाई की, और जोर आजमाई बोल रहा हूँ मतलब पूरी हमें इनका मुकाबला किया डट के। देखो यार, हम लोग हैं सब कैंपस टोबर टेक्सिंग से, और जो मेन कैंपस है ना, इन लोगों के लिए, इनके टीचर्स के लिए, जो टीचर्स के भी टीचर्स हैं, हमारे दिल में एक अलग सी इज्जत है और ये होनी भी चाहिए। खैर, हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। तो फाइनली गाइस, वेलकम टू द यूएएफ, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर मेन कैंपस फैसलाबाद। दोस्तों ये एशिया की दूसरी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पे ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि दुनिया भर से लोग पढ़ने के लिए आते हैं। और यहाँ पे बहुत से डिपार्टमेंट है, लेकिन जो हमारा डिपार्टमेंट था वो आपको पता है कि फिज़िक्स का है। और फिज़िक्स डिपार्टमेंट की बात की जाए, सर यासर जमील साहब की बात ना की जाए तो बहुत ही गलत बात होगी। हम बड़े उनके फ़ैन हैं और बड़ा नाम सुनते हैं, और हम बड़ी ड्रीम करते हैं कि हमें भी उनसे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिले। तो वैसे बहुत से टीचर हैं यहाँ पर, मिस शाजी और बहुत से टीचर्स हैं जिनकी वजह से हम यहाँ पर आ सके। थैंक यू सो मच ऑल टीचर्स के लिए। और सबसे पहले हमारी काफ़ी ज़्यादा, हमें काफ़ी ज़्यादा ब्रीफिंग दी गई जो वहाँ के टीचर्स थे, उनको पढ़ाने का अंदाज़, उनका बोलने का अंदाज़ नो डाउट बहुत ज़बरदस्त था। तो काफ़ी टीचर्स ने हमें आके पहले ब्रीफिंग दी, पहले बताया कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हमें दिखाए, और उसके बाद बल्कि हमें पकड़ाए भी कि आप ख़ुद भी बाई हैंड इनको पकड़ के देखें, इनको लगा के देखें स्विचेस के अंदर कि ये कैसे हैं। तो सब टीचर्स ने हमें ब्रीफिंग दी, और उसके बाद फिर हमने जो अपना सारा काम था उसको आगे परफॉर्म किया, करके देखा खुद ही। उसके बाद जितने भी फिज़िक्स के ऑपरेटर्स थे उसको हमने अपने हाथों में पकड़ के चेक किया और सीखा कि हमने इसके बारे में सिर्फ पढ़ा ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे आके हमने उसको अपने हाथों से देख भी लिया और उसको जज भी कर लिया, और उसके जो कंपोनेंट्स थे वो भी समझ लिए कि इनका असल में मकसद क्या है और इनको यूज़ कैसे किया जाता है किसी भी सर्किट के ऊपर। तो फाइनली गाइस, हम हैं अपने मेन कैंपस के अंदर और हम कर रहे हैं इसको पूरा एंजॉय। मैं आ गया। तो वाकई
खैर अभी चलते हैं आगे और इंजॉय करना था हमने खुद ही, देखा लिए कि हम वहाँ पे बैठ जाएं जाके चुप करके बैठ जाएं, वो भी हमारी अपनी चॉइस है। दूसरा लिए कि हम घूमे फिरें। और डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहोगे आप? यही कहना चाहूँगा पूरे पूरे मेरा तो गला खराब है। वो बस में ना शोर कर करके। खैर अभी हम करते हैं किसी लड़कियाँ भी हैं, किसी लड़कियाँ भी हैं ऐसे करके, वो अपना इंजॉय कर रहे हैं, हम लोग अपना इंजॉय कर रहे हैं। तो फाइनली गाइस जो यहाँ की सबसे फेमस जगह पे है इस यूनिवर्सिटी की, हम वहाँ पे पहुँच चुके हैं, दैट इज क्लॉक टावर ऑफ इस एग्रीकल्चरल। यहाँ की जो ये जो टावर है ना, जो क्लॉक टावर है, इस तरफ भी गेट है, कुछ डिपार्टमेंट इस तरफ है, कुछ डिपार्टमेंट इस तरफ है और कुछ इस तरफ है। तो मेरे ख्याल के मुताबिक ना ये सेंटर है यहाँ इस यूनिवर्सिटी का, ये बड़ी प्यारा दिन है। इस सब के बाद हम अपनी सेकंड डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो गए और रास्ते में ना हम डिफरेंट डिपार्टमेंट को देख रहे थे। जूलॉजी डिपार्टमेंट देखा, केमिस्ट्री देखा, बॉटनी की लैब्स देखी और ये यूनिवर्सिटी इतनी बढ़िया ना कि आप इसको देखते रहो तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होती, मतलब एक दिन में ख़त्म नहीं होती, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ना। तो अच्छा मज़े की बात आपको एक बताऊँ कि हम जब यहाँ यूनिवर्सिटी घूम रहे थे ना तो सामने ना वहाँ के जो डायरेक्टर हैं, यूनिवर्सिटी के जो डायरेक्टर हैं, वो बैठे हुए थे। तो हमने गाड़ी में से उनको हाथ भी लाया, बाय बाय भी किया उनको और बहुत हमने इंजॉय किया वहाँ पे ना। फिर हम नेक्स्ट जो अपनी डेस्टिनेशन थी उसकी तरफ रवाना हो गए। अच्छा जी, हमारे साथ हैं सर आतिफ सुपरवाइजर। पर मैं एक बड़ी अहम बात बताऊं कि जब कोई भी बड़े बड़े नहीं ना होते थे शॉपिंग मॉल्स वगैरह, तब सिर्फ एक चीज होती थी, दैट इज मेट्रो। मेट्रो तो ये बहुत पुरानी चीज है ये वाली। तो अभी हम चलते हैं अंदर इसके और आपसे मिलते हैं अंदर जाके। दोस्तों हम इस टाइम आ चुके हैं अपने मेट्रो के अंदर और आप देख सकते हो, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो स्टार्टिंग वाला पहले जो फेमस क्या कहते हैं इसको अकील भाई, शॉपिंग मॉल मेट्रो, वो मेट्रो ही था स्टार्टिंग वाला। था बाकी ओए यहाँ पे सोफे सोफे फर्नीचर था फिजिक्स के बन रहे हैं, तो कोई हाँ कोई फोन शोन कोई वॉचेस वगैरह को देखते हैं जाके, भी आपको दिखाते हैं जाके क्या रेट्स हैं इनके। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मोस्टली चीज़ें ना वो ब्रांडेड है, लेकिन हम बंदी ब्रांड है। अच्छा साहब, तो हमारा खाता है ही हो रहा है सर। अभी विंटर कलेक्शन अभी उन्होंने निकाली है अभी, तो दोस्तों जब भी किसी तलीमी इदारे के अंदर किसी इवेंट को अरेंज करना होता है ना, तो वहाँ की जो वहाँ के बच्चे होते हैं ना, स्टूडेंट्स होते हैं, उनकी सिर्फ एक ख्वाहिश होती है, उनका सिर्फ एक ड्रीम होता है, लेकिन उसको अमल में लेके आना वो वहाँ के टीचर्स की जिम्मेदारी होती है और टीचर की ग्रेटनेस होती है। यहाँ भी कुछ ऐसे ही था कि हमारे बहुत ही काबिल टीचर, चार टीचर्स, हमारे एस ओ डी, हमारे इवनिंग के एस ओ डी सर वासफ शफीक साहब, क्लासिकल मैकेनिक्स की मिस इफ्रा किरण, डॉक्टर इफ्रा किरण, एम एम बी की मैम फजीला और इलेक्ट्रॉनिक्स की मैम मिस मरियम गनी। मैं इन सब का थैंक यू सो मच करना चाहूँगा। आज हमने जो कुछ भी सीखा, जो कुछ भी जाना, जैसा भी इवेंट को इंजॉय किया, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर ग्रेटनेस। मैं तहे दिल से आपका थैंक यू सो मच करना चाहूँगा, बल्कि पूरी क्लास की तरफ से, पूरे डिपार्टमेंट की तरफ से आपका थैंक यू सो मच करना चाहूँगा।
और हम उम्मीद करते हैं कि हम ऐसे इवेंट्स और भी लेकर आएँ, अपने इन दोस्तों को भी सिखाएं और इंजॉय भी करें। आज की करते हैं वीडियो यहाँ पे ख़त्म, बहुत हमने इंजॉय किया और अपना रखना बहुत सा ख्याल। वीडियो में पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, अपना नाम हो सके तो कमेंट कर देना। मेरे कुछ बहुत से सब्सक्राइबर्स भी आज की वीडियो में थे लेकिन उन्होंने इंक्वायर किया जी हमने आपकी वीडियो में कोई नहीं आना, इसीलिए आज की करते हैं वीडियो अभी ख़त्म, अपना बहुत सा ख्याल, फिर मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरी भी